नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर छोड़े आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारों का भी किया इस्तेमाल। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, आंदोलन स्थल से वापस गए बड़े नेता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, आंदोलन स्थल से बड़े नेता वापस गए। लाठीचार्ज के साथ पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, साथ में पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस के साथ साथ भारी समर्थक और कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस की बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की संख्या देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि काफी भारी तादाद में कार्यकर्ता समर्थन में उतरे हैं। पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। अगर बीज है तो हमारे पास तो लोगे, क्या करेगा बेचारा किसान? किसान क्या करेगा? मजबूरी से करेगा क्या? मुझे दे दो, मैं आपकी चोरी कर लूंगा। वो कंडिया बन जाएगा, वो खुद मजदूर बन जाएगा जो चोरी करता था कि खाद और बीज तो जो पति से मिलेगा। ये आज कानून बनाया है, इसलिए आज लाखों लोग हमारे मध्य प्रदेश में गरीब किसान, है गुजारे की खेती करते हैं। कितने किसान है गिने चुने किसान है जो व्यापार की खेती करते हैं, छुटपुट व्यापार कर लेते हैं, कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। सही बात है ना? आप लोग समझते हैं। तो आज ये लोग गुलाम होंगे उद्योगपतियों के, ये बंधुआ मजदूर होंगे उद्योगपतियों के। और तीसरा कानून, हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जहां एक सीमा है, जहां सीमा है कि आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते। आज तो ये सीमा नहीं है। उद्योगपति क्या करेंगे? 50,000, 1,00,000, 2,00,000 टन खरीद लिया, भोपाल में कुछ पहुंचा नहीं, भाव बढ़ गया और भोपाल में आके बेच देंगे। ये होगा। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के राजभवन घेराव की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गाड़ी पर पीछे पीछे कमलनाथ आ रहे हैं, उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, इसके साथ ही जीतू पटवारी भी इस गाड़ी पर मौजूद है। जवाहर चौक से इस राजभवन घेराव की शुरुआत हुई है और इसके बाद ये घेराव ये सीधे मार्च के रूप में जाएगा। राजभवन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और कमलनाथ के साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। एक ही मांग है कांग्रेस के पूरे ही नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ये उद्योगपतियों के हित में है। तो चाहे कांग्रेस के सभी संगठन NSUI, इसके साथ ही सेवा दल और सभी जो घटक हैं महिला कांग्रेस, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता लेकर आए हैं। प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से राजभवन घेराव करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हुजूम को संभालने के लिए बड़ी संख्या में
यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति ही हो तो उसको निपटा जा सके। तब देख सकते हैं कि किस तरीके से जवाहर चौक से राजभवन जाने वाला ये मार्ग है, उसके चारों तरफ बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सलूजा इस वक्त पैदल पैदल जा रहे हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ। तो दुर्गेश शर्मा जी क्या कहेंगे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन घेराव करने निकले हैं। बिल्कुल, तीन काले कानून के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ आज आंदोलन में है और राजभवन जा रही है, मांग कर रही है राष्ट्रपति से कि हर हाल में काले कानून वापस होना चाहिए, हर हाल में नए कृषि कानून वापस होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज वो सड़कों पर हैं और केंद्र सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि किसानों के हित में बात कीजिए, जो कृषि कानून को लेकर आए हैं, तीन नए कृषि कानून हैं उनको वापस लीजिए, क्योंकि आज किसान की मांग है, कांग्रेस की मांग है और किसानों का, किसान देश के अन्नदाता है, उनकी मांगों पर केंद्र सरकार नहीं सुनती तो इनकी तानाशाही और इस तरह का रवैया भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने के लिए निकले हैं और केवल एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार बात करे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, अनादी टीवी, भोपाल। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज राजभवन घेराव करने के लिए निकली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है इस पर कमलनाथ के साथ तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस वक्त ये जो चौराहा है ये रोशनपुरा चौराहा है, यहाँ से आगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे जाने की परमिशन गई है। टू लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और अब से पहले कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की थी तो उन पर पुलिस के द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर उन्हें यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। एसडीएम के द्वारा जो राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन था, जो ज्ञापन सौंपा जाना था, वो ज्ञापन उनके एसडीएम के द्वारा ले लिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग को सुना जाए, उन्हें राजभवन तक जाने की अनुमति दी जाए। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो थाना प्रभारी है वो भी बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने की, उनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो नए तीन कृषि कानून लेकर आई है उनको वापस लेकर आया जाए, क्योंकि जो तीनों ही नए कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है, वो केवल उद्योगपतियों के हित में है। और इसी मांग को लेकर लगातार हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर भी जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 7 दिन से ज़्यादा उनके आंदोलन को चलते हुए हो चुके हैं। और आज राजधानी भोपाल में प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और राजभवन घेराव कर रहे हैं। और ऐसे में पुलिस बल के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे ना जाना दिया जाए। अब ऐसे में बेहद अहम रहेगा कि राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा जा चुका है और अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, अनादी टीवी, भोपाल। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है। पूर्व मंत्री हमारे साथ है, सर क्या कहेंगे कि अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहे थे पानी। देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है देश के अंदर, किसानों के आंदोलन को अगर आवाज देने के लिए कांग्रेस आगे आई है तो इस आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी तमाम सरकारें दमनकारी कार्रवाई करने लगी है। आप देख लीजिए, देख सकते हैं किस तरीके से वाटर कैनन का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने के लिए। बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ से हटाने के लिए इस तरह से पूर्व मंत्री सर क्या कहेंगे, वाटर कैनन का उपयोग किया। आंसू गैस और ये किसानों की आवाज को दबाने की मोदी और शिवराज की साजिश है और लेकिन हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। किसान विरोधी मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी, काला कानून आया है, ये किसानों का दोहन करने का कानून है। कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा तब तक ये सरकार इसको वापस नहीं लेगी। संघर्ष बाकी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस कृषि कानून को वापस नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से आशु बम फोड़े गए हैं वाटर कैनन का उपयोग करके, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है और जितने भी कांग्रेसी नेता उनको यहाँ से हटा दिया गया। अभी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, वो यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, जब तक केंद्र सरकार इन तीनों नए कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, हम इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर रिहान के साथ वैभव गुप्ता, अनारी टीवी, भोपाल।